जनपद में जिला अस्पताल सहित कुल 80 केंद्रों पर 7,408 लोगों को कोविड का टीकाकरण किया गया, जिसमें प्रथम डोज लेने वालों में 6,417 लोग तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 991 लोग शामिल रहे। जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने बताया कि 80 केंद्रों पर वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है, जिसमें 2 अभिभावक स्पेशल बूथ बनाया गया तथा 2 महिला स्पेशल बूथ बनाया गया। इसके अलावा नगर निगम में 1 बूथ चल रहा है, जिसमें स्ट्रीट वेंडर, रेहड़ी, ठेला, खोमचा वालों का सभी का टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है तथा जब तक हर एक व्यक्ति को टीकाकरण नहीं हो जाता तब तक टीकाकरण का अभियान चलता रहेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए वैक्सीनेशन कराने वाली प्रियंका और सुप्रिया श्रीवास्तव और एडिशनल सीएमओ डॉक्टर नीरज पांडे और सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, पेपर मारा ना तो जाके DIO साहब बगल में बैठे हुए हैं, DIO साहब से जाके मिल लीजिए। 45 प्रियंका श्रीवास्तव, न्यू कॉलोनी माधोपुर। क्या चीज रजिस्ट्रेशन को करा दी? अब ये तो भैया हमारे केस हमने किया था। वैक्सीनेशन हो गया था? क्या कोई दिक्कत नहीं थी? नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं। सुप्रिया श्रीवास्तव, सूरज कुंभ। वैक्सीनेशन हो गया? हाँ। किसी कोई दिक्कत नहीं? सुबह आज कुल 80 जगह पर वैक्सीनेशन का काम हो रहा है, जिसका लक्ष्य 15,000 निर्धारित किया गया है। देखिए, बूथ की कई कैटेगरी है, 2 हमारे अभिभावक स्पेशल चल रहे हैं, इसके अलावा 4 हमारे महिला स्पेशल चल रहे हैं, इनमें 2 45 प्लस के हैं और 2 18 प्लस के हैं। ये बूथ हमारे डिस्ट्रिक्ट फीमेल हॉस्पिटल एंड कैंपियर, इसके अलावा वर्क प्लेस डिफरेंट ऑफिसेस। आज हमारे 80 केंद्र पर वैक्सीनेशन चल रहा था, उसमें 2 हमारे अभिभावक स्पेशल केंद्र चल रहे हैं, 2 महिला बूथ स्पेशल बूथ चल रहा है और नगर निगम में हमारा 1 बूथ चल रहा है, जिसमें कि स्ट्रीट वेंडर्स, रेवड़ी के बेचने वाले सभी लोगों का टीकाकरण चल रहा है। बहुत अच्छी तरह से वहाँ टीकाकरण चल रहा है और ये चलता रहेगा जब तक कि सभी लोगों का वैक्सीनेशन ना हो जाए। तो इधर हमारा टारगेट जो है 15,000 के आसपास का है, तो हम 12-13,000 तक का वैक्सीनेशन करा दे रहे हैं।